नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, आप लोगों का एसएससी की तरफ से एक नोटिस है जो अभी अभी वेबसाइट पर आया है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देर रात को जो है नोटिस अपडेट किया गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 तारीख की अपडेट में आप लोगों को आज की अपडेट में नोटिस देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए क्या नोटिस अपडेट है, वो कंप्लीट जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एसएससी जीडी के रिगार्डिंग अपडेट दे दी गई है आप लोगों के रिजल्ट को लेकर। देखिए, आप लोग के रिजल्ट एग्जैक्ट डेट पर जो है निर्धारित किए जा रहे हैं, जो भी डेट बताई जा रही है, लेकिन कुछ रिजल्ट जो है डेट से पहले आ रहे हैं। जैसे जेई का रिजल्ट 31 तारीख को था, लेकिन 27 तारीख को अपडेट कर दिया गया था। इसी तरीके से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग के सभी एमटीएस एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम, स्टेनोग्राफर एग्जाम, सभी के रिजल्ट की अपडेट यहाँ पर बता दी गई है। कॉन्स्टेबल जीडी की बात करें तो जो आप लोग का एग्जाम हुआ था, ये आप लोग का रिजल्ट की जो टेंटेटिव डेट है ये 15 अप्रैल 2022 रखी गई है। 15 अप्रैल 2022 को आप लोगों का रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। दोस्तों, इसमें निराशा होने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों की डेट 15 अप्रैल क्यों रखी गई है। देखिए दोस्तों, आप लोग के सभी रिजल्ट जितने भी आए थे वो विद इन मंथ आप लोग के रिजल्ट की अपडेट थी, लेकिन इसके रिजल्ट में आप लोगों का थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल रहा है। उसका रीज़न हो सकता है दोस्तों कि क्या पता एसएससी जो है, जो एसएससी जीडी की वैकेंसीज हैं, इनको रिवाइज करने के बारे में सोच रहा हो। एसएससी जीडी में पिछली बार भी वैकेंसी रिवाइज हुई थी, इस कारण से रिजल्ट डिले हो गया था। जो रिजल्ट की एक्सेप्टेड डेट थी उससे जो है रिजल्ट 1 महीने लेट आया था। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, जो समय है वो 15 अप्रैल रखा गया है। कहीं ना कहीं जो आप लोग का फिजिकल था, वो भी अगर आप लोग का रिजल्ट 15 फरवरी को आप लोग का रिजल्ट अपडेट होता, तो आप लोगों का जो फिजिकल है ये मई जून में आप लोगों का फिजिकल कंडक्ट कराया जाता, जहाँ पर फिजिकल काफ़ी टफ टफ हो जाता अगर मई जून के अंदर फिजिकल होता है। तो फिजिकल के लिए भी जुलाई तक आप लोगों को इंतजार करना ही पड़ता। लेकिन आप लोग का जो रिजल्ट है इसकी डेट अब रखी गई है 15 अप्रैल, तो आप लोग के जो फिजिकल हैं जुलाई में एक्सेप्टेड हो जाएंगे अगर 15 अप्रैल को रिजल्ट आता है तो। और आप लोग की जो वैकेंसीज है इसको लेकर भी आप लोग की उम्मीद बन सकती है कि आप लोग की वैकेंसीज रिवाइज हो जाएं कॉन्स्टेबल जीडी के अंदर। अगर वैकेंसीज रिवाइज हो जाती हैं तो रिजल्ट अगर 1-2 महीने लेट भी हो जाता है तो उससे आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप लोग की वैकेंसीज पहले से ही बहुत कम है। अगर सीआरपीएफ की वैकेंसीज के अंदर ऐड की कर दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो है जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम बन रहे हैं उनकी उम्मीद हो सकती है इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल में जाने के लिए। तो आप लोग का रिजल्ट जो है वो 15 अप्रैल तक टेंटेटिव डेट है, यानी 15 अप्रैल से पहले भी आ सकता है, 15 अप्रैल के बाद रिजल्ट नहीं आएगा। 15 अप्रैल तक आप लोग का रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियल अपडेट है जो एसएससी की वेबसाइट पर डाल दी गई है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। आप लोगों को एसएससी वेबसाइट पर नोटिस मिल जाएगा जहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। 15 अप्रैल 2020 इसके लिए डेट रखी गई है टेंटेटिव। और वैकेंसीज इंक्रीज को लेकर लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा डिले किया गया है, इस कारण से वैकेंसीज भी इंक्रीज देखने को मिल सकती है। एसएससी की तरफ से कोई भी अपडेट आएगी एसएससी जीडी के रिगार्डिंग आप लोगों को रेगुलर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।